फाइन, तो इसमें आप जो 2 2.5 घंटे की इनकी क्लासेस होंगी, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा परेशान कीजिए आप इनको, यू आर पेइंग टू ट्रबल देम, ठीक है? तो अच्छे से क्वेश्चन क्लियर करो, कुछ समझ नहीं आ रहा पूछो, जो भी क्वेश्चन आ रहे दिमाग में, ठीक है? ये सब चीजें हैं, ए टेस्ट, सो आई ऑल्सो रोट ए टेस्ट सेक्शनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ऑफलाइन लाइव क्लासेस एंड डिस्कशन डाउट सेशन है आपका, तो ये आपके देखना फिर इससे, इन इस क्लासेस के पैटर्न से यू विल बी एबल टू कवर योर जीएस ऑल्सो। तो मैंने यही बोला ना, पहले 2 3 महीने आपको, मतलब 2 महीने तो जैसे ऑप्शनल को एक्सक्लूसिवली दिए, फिर आप GS 1 2 3 4 प्रिपेयर करोगे, तो साथ साथ कहीं ना कहीं बीच में PSIR का भी या जो भी ऑप्शन आप ले रहे हो उसको भी एडजस्ट करते रहना, ताकि उससे आपका बस कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? सो यू आर सीइंग माई स्क्रीन यस मैम। एंड द पेन ऑल्सो? जी मैम। ओके, सो इसमें जैसे आपका पहला है पॉलिटिकल, जैसे मैंने 40 पॉइंट्स का बोला, पहले है थ्योरी, इसका मीनिंग एंड अप्रोच। तो क्लियरली आप जब ये कंसेप्ट पढ़ोगे, पॉलिटिकल थ्योरी का क्लास में पढ़ोगे या जो भी नोट से आया, जो भी जिस किताब से आप पढ़ रहे हो, इसकी क्लियरली आपको मीनिंग, कैसे पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व हुआ और कैसे थ्योरी हम पढ़ते हैं, मतलब पहले से लेके किस किस स्कॉलर ने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या क्या बोला है, कैसे इस एंशियंट में डेवलप हुई, कैसे इस इवॉल्व होते होते बिहेवियरलिस्ट तक आना है और फिर आपको कंटेम्पररी टाइम में आना। बिहेवियरलिस्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक नया ट्रेंड आया था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की इवोल्यूशन में, कि जब जैसे क्या हुआ था गाइस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जैसे मेनली क्या था कि उस समय डेवलपमेंट मेन था मुद्दा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही थी इतनी, फिर थिंकर्स ने, मतलब पॉलिटिशियंस जो थे, लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स थे, वो इकोनॉमिस्ट को बुलाने लग गए। तो उस समय क्या लगा पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स को कि पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से अपने सब्जेक्ट की रेलेवेंस को खो रहा है, इन दी सेंस कि बहुत थ्योरी थ्योरी हो रही है, कोई सब्सटैंशिएट बातें नहीं है इनके पास करने को। तो तब रिवाइव हुआ था सब्जेक्ट, इन दी सेंस कि वो थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेके आए थे उसमें, कि थोड़ा फैक्ट्स हो, थोड़े एक्सपेरिमेंट्स हो, ताकि पॉलिटिकल साइंस एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाए। तो उस ट्रेंड को बिहेवियरलिस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो वहां वहां से, मतलब पूरा प्लेटो और प्लेटो और एरिस्टोटल से शुरू होके यहाँ तक आते आते कैसे वो सब यहाँ से करना है, फिर आपको थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के, स्टेट का, स्टेट की इवोल्यूशन, ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसको कौन से स्कॉलर्स कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, चाहे वो लिबरल हो जो एक लाजेस फेयर स्टेट की बात करते हैं, नियो लिबरल जो इसी का नया ट्रेंड है, जो हाल फिलहाल जैसे नॉजिक है, ठीक है, इसमें मिली बैंड है, तो ये सब न्यू लिबरल थिंकर्स हैं। फिर मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच, नहीं दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया इधर, मतलब मिस टाइप, जस्टिस में कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। तो मतलब थ्योरी ऑफ जस्टिस अच्छे से करनी है, जिसमें स्पेशल आपको ध्यान देना है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पे एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स पे। मेनली आपका इसमें माइकल सैंडल आते हैं, जो कम्युनिटेरियन फिलोसफी ऑफ जस्टिस देते हैं, कि कैसे रॉल्स की थ्योरी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इक्वालिटी, सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तो इसमें एक ही कंसेप्ट की बात। तो हर इक्वालिटी में जब आप पढ़ोगे ना, तो उसके एक स्पेसिफिक थिंकर्स होंगे, इक्वालिटी पे ये थ्योरी ऐसे आई है, तो कैसे इक्वालिटी और लिबर्टी में बैलेंस होता है, इस पे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है। राइट्स, मीनिंग एंड थ्योरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट, जैसे ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, तो राइट्स की थ्योरी, नेचुरल राइट्स की जॉन लॉक की, फिर आपकी ह्यूमन राइट्स की, ठीक, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी थी, सॉरी,
कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर डेमोक्रेसी मेनली आपकी रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटिव और डेलिबरेटिव, और मेन थ्योरी, ठीक है, इसमें जैसे मैकफर्सन की थ्योरी है इंपॉर्टेंट. तो हर किसी के थिंकर होंगे, उनकी थ्योरीज होंगी, फिर उनकी मेन डेफिनेशन होंगी, कंटेस्टेड टॉपिक्स होंगे, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो डेमोक्रेसी पे, ये सब. कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजेमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी, तीन चीजें हैं, तीनों के बीच में मेन क्या डिफरेंस है. पावर का क्या, पावर को रीडिफाइन किया जा रहा है, या पावर के और थिंकर्स ने कैसे कैसे इसको एनालाइज किया है. आइडियोलॉजी आ गई आपकी लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म. इंडियन, ये आपके आगे लास्ट के दो पार्ट है थिंकर्स के. इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान, सर औरबिंदो, एम के गांधी. औरबिंदो पे क्वेश्चन, मतलब बी आर अम्बेडकर, औरबिंदो, एम के गांधी, इन पे अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके. वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्राम्सी एंड हैना अरेंट. जैसे मैं बात कर रही थी, बीच बीच में इन थिंकर्स का नाम ले रही थी ना, तो इसके मतलब आपको मेन चीजें, मेन कंसेप्ट, थ्योरीज, एग्जाम्पल्स एंड हाउ इट इज रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम, ये सब आपको देखना है. तो सेकेंड पार्ट है आईजीपी. अगर मुझे याद आता है टेल यू. फिर है आपका आईजीपी सेक्शन टू. इसमें पहला पार्ट है आपका मेनली जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हेलो हेलो, कैन समबडी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. ओके संदीप, थैंक्स. सो आईजीपी में मेनली आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है जो प्री इंडिपेंडेंस है. तो वर्कर्स मूवमेंट, जैसे वर्कर्स मूवमेंट पे पूछा गया इस बार क्वेश्चन, तो अलग से जो जो एक एक पार्ट लिखा है ना, उसकी हर चीज आपके पास नोट्स होने चाहिए. और इग्नू अच्छे से रेफर कर लेना गाइस. इग्नू हो गया, डीडी वासु हो गई, लक्ष्मीकांत तो भाई उसको बेड पे रख के सो जाया करो. जब, और एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज, जब भी मैं ये लगता था ना भाई नहीं हो रहा, कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, इतने दिन से, दो दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब लक्ष्मीकांत उठा लो. मतलब उसके 76, अब शायद 80 चैप्टर्स हो गए हैं. 80 चैप्टर्स को जैसे आप पढ़ने लगोगे ना, वो चैप्टर जल्दी, कुछ चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाते हैं. तो एक ना सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है. दीज आर सम ऑफ द साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट वी ह्यूमंस जनरली इंजॉय, कि जब काम नहीं हो रहा तो अगर आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो कि आज हमने इतने चैप्टर्स कर लिए, इवन इफ इट्स जस्ट अ रिविजन, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स. तो लक्ष्मीकांत इज दैट बुक दैट यू कैन ऑलवेज फॉल बैक टू. Perspectives of on Indian national movement, liberal, socialist, Marxist, radical, humanist. तो इसमें जैसे कि कैसे national movement को अलग अलग thinkers ने analyze करा, चाहे वो liberal scholars हों, mainly आपके इसमें congress people थे, socialist हों, Marxist हों, radical humanist हों, दलित perspective हो. ये हो गया Indian constitution कैसे बना था, इसके legacy, different social and political perspective, ये आपकी mainly constitutional assembly debates और 40s के बाद वाला एरा. सेलियंट फीचर्स ऑलमोस्ट लाइक GS2, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, जैसे इस बार प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आया हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर. ये है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मेनली आपका जो पार्लियामेंट का दोनों पार्ट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड प्लस सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी. Organs in the sense High Court, Legislature and ये हो गया state का, वो था center का. Grassroot Democracy, 73rd and 74th Amendment और इसके पीछे की philosophy. एक और चीज मैं बताना भूल गई, ये point था, committee की recommendation. जैसे इसमें I think मनी शंकर अय्यर committee है, if I remember it correctly, जो mainly 73rd Amendment के progress पे देख रहे हैं कि इससे grassroot democracy पे क्या फर्क पड़ा. तो अभी भी दे आर सेइंग कि वी आर हैविंग बैड पंचायत्स,
कि अभी पंचायत ने अपना रोल पूरा अदा नहीं करा है, अभी भी फंड्स फंक्शंस फंक्शनरीज वाली बात, इनको कैसे रिवैम्प करा जाए, इनकी थोड़ी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आए, इंडिपेंडेंस हो, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, इसमें सारे आपके जितने भी कमीशन हैं, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ जाता है, सीएजी, जैसे इस बार 14 फाइनेंस कमीशन पे आया था क्वेश्चन, यूपीएससी, ये मेनली इसके पीछे आपको जैसे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, एक मिनट, बहुत ज्यादा रफ वर्क कर लिया हमने इसमें, जैसे कमीशन वाली बात आप कैसे करोगे, ये थोड़े टेक्निकल, इससे इस सेक्शन से मुझे थोड़ा सा डर लगता था, इसमें आप करेंगे इनके रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो भी हो, इस रोल को फिर क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि क्या ये कर पा रहे हैं, मतलब सक्सेस, फिर आप बताएंगे किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी या कोई केस होगा, मतलब वही की बात होगी, तो उसमें इनका कोई मतलब अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, इससे रिलेटेड जो भी बातें हो, मतलब आपको उस चीज का एक कंसाइज रखना है चीज, भी मेहता लिखते हैं काफी ज्यादा, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, एम आई ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज विजिबल, यस मैम, क्विक रिप्लाई गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन लॉट मच टाइम, इसमें प्रताप भानु मेहता हो गई, ग्रैनविल ऑस्टिन हो गई, कि कैसे हमारा फेडरलिज्म बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट करता है, ये सब तो जब आप आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब मेरा बताने का मकसद यही है कि जब आप मान लो ये कोर्स शुरू हो रहा है तो जो फिर जो जो थिंकर्स की डिबेट है आपस में कि ये वाला थिंकर कह रहा है कि भाई हमारा फेडरलिज्म थोड़ा बहुत सेंटर ओरिएंटेड है, कुछ थिंकर कह रहे हैं कि मतलब लिखा है कि स्टेट सेंटर में आपस के रिलेशन इस तरह की फेडरल प्रोविजन क्वेश्चंस भी हमारे बचे रहे, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब फेडरल फीचर होते हुए सेंट्रल टेंडेंसी है, कुछ कह रहे नहीं, मतलब सूट टू द इंडियन कंडीशन है, तो इनका नाम और मतलब पूरा उनका व्यू पॉइंट इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें मेनली आप क्या क्या बताओगे, पहले एथनिसिटी का डेफिनेशन क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इससे होता है, किसी ने कुछ इस पे बोला है क्या एथनिसिटी पे, या इंडियन कंडीशन में कैसे ये पॉलिटिक्स में हेल्प करता है, या कैसे एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट है एथनिसिटी, और इससे फिर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज क्या है, क्या ये मतलब नेशनल या सब नेशनल रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, नेशनलिज्म को वीक कर रहा है, इस तरीके की बातें आपको करनी है, कास्ट पे तो पूरा पूरा आपको, जैसे रजनी कोठारी कास्ट पे बहुत लिखती हैं, तो हर एक थिंकर मतलब हर एक टॉपिक में आप देखेंगे कि कुछ थिंकर्स ने मेन एक्सपर्ट वर्क किया है, आपको वो आइडेंटिफाई करके उसको समझना है और फिर डिबेट देखनी है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ टाइम एंड अगेन, ताकि ये दिमाग में आपके बैठ जाए बिल्कुल, पार्टी सिस्टम, जैसे जो जो मेन मेन पार्टीज हैं उनका बेसिस क्या है, पैटर्न क्या है, प्रेशर ग्रुप्स, फाइन, एंड देन सोशल मूवमेंट, आपकी वुमन मूवमेंट, एनवायरनमेंट, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आ जाता है, चाहे वो सिविल लिबर्टी हो, ह्यूमन राइट्स हो, वुमन हो, एनवायरमेंटल, हमारे टाइम पे वुमन मूवमेंट भी आया था, तो दिस इज पेपर वन जो आज हम डिस्कस करने वाले थे, मेनली आपको आपने देखा होगा आईजीपी इज ऑलमोस्ट लाइक मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट GS2 में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ होगा, बस उसका थ्योरेटिकल और ये चीजें हमें और डेप्थ में देखनी है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लें एक बार, हेलो,
गाइस एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? यस मैम, बीच में नेटवर्क अनस्टेबल हुआ था, अभी ठीक है मैम. अच्छा ठीक है. शुड वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर नाउ और देयर आर मोर क्वेश्चन यूडी? Students, do you have any more questions with respect to syllabus? Or abhi bhi aisa koi question hai jo aapne pucha nahi hai? Ma'am, I guess we can move on to the question answer. Okay, can you see the question paper or the previous PDF is all visible? नहीं मैम, दिख रहा है क्वेश्चन पेपर.